नमस्कार आप सभी का स्वागत है आपके पसंदीदा कार्यक्रम शाबाश उत्तराखंड में आपके साथ मैं हूं सोनाली शर्मा दर्शकों जैसा कि आप सभी जानते हैं इस कार्यक्रम के जरिए हमेशा हमारी ये कोशिश रहती है कि आपको रूबरू कराएं उन तमाम हस्तियों से जिन्होंने अपनी मेहनत के बल पर अपने हुनर के बल पर अपनी कला के बल पर इस राज्य का नाम देश में ही नहीं बल्कि विदेश में भी रोशन किया है जी हाँ आज इसी कड़ी में हमारे साथ एक ऐसे खास मेहमान स्टूडियो में उपस्थित है जिन्होंने वाकई ये साबित किया कि सपने देखने चाहिए वाकई क्योंकि सपने एक दिन जरूर सच होते हैं जी हाँ आपके हमारे हम सभी के पसंदीदा फिल्म कलाकार अभिनेता श्री हेमंत पांडे जी जिन्होंने रंगमंच से अपने करियर की शुरुआत की सबसे पहले आपकी मुलाकात कराते हैं सर बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे इस कार्यक्रम में आप आए अपना अपना समय निकाला आपके बहुत बहुत शुक्रिया बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी क्योंकि दूरदर्शन हमारे साथ ऐसे जुड़ा हुआ है जैसे हमारा जी को जीवन का एक हिस्सा बिल्कुल क्योंकि हम उस वक्त की पैदाइश है कि हमारे टाइम में दूरदर्शन के अलावा कुछ होता ही नहीं बिल्कुल। था। बिल्कुल और मेरा तो सपना था कि जब मैं घर से निकला था पिथौरागढ़ से कि मैं जब दिल्ली के लिए निकला तो दूरदर्शन का ही सपना लेके गए थे उस वक्त एक ही लक्ष्य था कि एक बार टीवी पे आ जाऊं बस खाली कुछ छोटे से प्रोग्राम में ही सही तो वो वो सपना दूरदर्शन का ईश्वर ने तीस बत्तीस साल पहले पूरा किया और आज जी। दूरदर्शन में आपके इस प्रोग्राम में आ रहा हूँ तो मेरे लिए एक इमोशनल अटैचमेंट जैसा है क्योंकि दूरदर्शन से हमको जो चेक भी मिले हैं ना वो भारत सरकार लिखा हुआ आता था सोलह सौ का तो मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि मैं वाकई अपने दिल के किसी कार्यक्रम में बिल्कुल और हमारे लिए भी सर ये सौभाग्य कुमाओं को बिलोंग करते, है। है। करते हैं किस तरह का आपका बचपन रहा है पढ़ाई लिखाई कैसे की परिवार में कौन कौन रहा पिथौरागढ़ में गाँव है छोटा सा पाधे पिथौरागढ़ से थोड़ा दूर वहां मेरा जन्म हुआ पिथौरागढ़ में पला बढ़ा और उसके बाद वहीं पे इंटर कॉलेज है GIC. जी आई सी वहां बारहवीं तक की पढ़ाई की और पढ़ाई में मैं बहुत तेज था जी। कोई क्लास अच्छी लगती थी ना तो दो दो तीन तीन साल रुक जाता अच्छा। था जी तो इसलिए पढ़ाई में इमेज अच्छी नहीं थी तो डिमोशन हो गया मेरा गांव भेज दिया गया शहर से अच्छा क्योंकि समाज में एक ही बात होती है ना कि कोई पढ़ने में ठीक नहीं है तो मतलब वो बेकार हो गया गाँव चले गए तो वहां से एक जीवन हमको तब नहीं पता था कि हमें क्या देख पा रहा हूँ या मेरा भविष्य क्या होने वाला है जी। लेकिन उस जगह पे रह के उस प्रकृति के बीच में रह के जी। मैंने हिमालय को रंग बदलते देखा है उसके कलर्स चेंज होते हुए देखे हैं वो तब जीवन का हिस्सा थे जी। बाद में हमें पता लगा कि ओहो हम जो जिंदगी जी के आए हैं या वो जो जीवन हमने जिया जी है वो तो किसी ईश्वर के अंश से कम नहीं है देवभूमि तो वैसी उत्तराखंड है और फिर पिथौरागढ़ की वादियाँ, पहाड़ जंगल वहां पे खेतों में काम करने का अनुभव अब क्योंकि हम वहाँ पे ब्राह्मण थे तो हल जोतने के लिए मनाही होती थी हमें बड़ा अच्छा लगता था वो तो हमारे जो हलिया होते थे उनको बोल के बच्चे थे तो अरे बड़ी ला दू ऐसा बोला उसके लिए के कुछ दे दिया तो वो कतो छुप के चला लो तो वो भी शौक़ पूरे किए जंगल से बाँझ के ठूंठ लेके आए और ककड़ी और ये सब जो बेल होती हैं वो जो सीजन चलता है बारिश के जिसमें बेल उसमें हत्ते ठंगारे वो सब वो सब जीवन मुझे जीने को मिला जी। तो मैं बड़ा अपने आपको भाग्यशाली मानता हूँ कि इस प्रकृति की जगह पे ऐसी शानदार जगह पे अठारह वर्ष मेरे जीवन के बीते जी। तो मेरे लिए वही मेरा आधार है जी। बिल्कुल वही आपका आधार है अब वहां से सर फिर अभिनय की अगर बात की जाए तो कब आपको ऐसा महसूस हुआ क्योंकि आपने बताया कि पढ़ाई में ज्यादा रुचि नहीं थी तो अभिनय की ओर फिर रुचि किस तरह से बढ़ती गई पढ़ाई में ज्यादा मन रुचि नहीं होने की वजह से नाटकों में शुरुआत हुई।, हुई नाटकों में काम करना अच्छा लगता था और हमें कुछ पता तो होता नहीं था नाटक अभिनय के बारे में थिएटर के बारे तो में स्कूल से कहीं ना कहीं हाँ नाटक इस वजह से हमें टीचर कुछ लोग अच्छा भी मानते थे कि हर कल्चरल एक्टिविटी में स्पोर्ट्स में उसमें हमको लगता था यही पढ़ाई होनी चाहिए

शादीशुदा बेटी को माँ बाप की तरफ से भाइयों की तरफ से तोहफा दिया जाता कि पहले वो खाने पीने के पकवान बहुत ज्यादा हाँ दिए जाते थे, थे कपड़े दिए जाते थे, थे हाँ भिटोला देने की बात आई दिल्ली हम मैं हमारी दीदी थी अच्छा तो भिटौल ऐसा थीटौल मजून मजूल तो वो एक बिटोला देने का बहाना मिल गया जी और ईजा जो है हमारी पिठा लगा रही थी तिलक लगा रही थी अच्छा तो आंखों में मैंने बोला ऐसे अब नहीं अच्छा जी आप नहीं हुए बस जैसी वो एक पता लग गया था माँ को कि ये जो है क्योंकि उस तरह का माहौल था पारिवारिक मध्यम निम्न मध्यम वर्गीय परिवार वो ब, 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 बच्चे गरीबी पता नहीं भी तो कंबाइंड फैमिली तो हमारे में तो बाद में पता लगता था परिवार में कोई बच्चा रो रहा है तो बाद में पता अच्छा अच्छा आज इसको ना नाश्ता देना भूल गए तो कंबाइंड फैमिली थी और किसी भी तरह बच्चे को बड़ा कर लो वाला एक कॉन्सेप्ट था उस वक्त गरीबी सबके परिवारों में सबके ही थी हमारी नहीं सबकी ही थी तो वहां से मेरा शुरुआत हुई बिल्कुल और फिर दिल्ली आया तो वहाँ फिर नाटकों में क्योंकि यहाँ पिथौरागढ़ में तब तक इतना कुछ कर चुके थे कि जाना कहाँ है वो पता था मंडी हाउस नाम हमने सुन लिया था नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा सुन लिया था जी, जी। श्री राम सेंटर सुन लिया था तो फिर वहाँ जाने लगे जी। फिर नाटकों की वहाँ पे जन माध्यम एक संस्था है रंजना पांडे जी उसको चलाती हैं दिल्ली में उनके साथ मुझे काम करने का अवसर मिला नाटकों में फिर त्रिपुराधी शर्मा जी का ग्रुप था अल्लापू उसमें भी हम काम करते थे कटपुतली भी पपेट भी चलाते थे और नाटक भी होता था जी। पचास रुपए उसमें मिलता था जी। फिर नाटकों का दौर चलते रहा क्योंकि वो एक अलग जिंदगी शुरू हो चुकी थी हमें पता नहीं था और कहीं ना कहीं रंगमंच जब आप कर रहे थे तो वो कहते हैं कि रंगमंच जब कोई करता है तो और भी मंचता चला जाता है एक कलाकार के रूप में रंगमंच के बारे में मैं आपको कि रंगमंच में तो हर व्यक्ति को इन्वॉल्व रहना चाहिए महाराष्ट्र में क्या है नाटक संस्कारों में है वहाँ दादाजी नानिया नानी अपने पोते पोतियों को लेके बच्चे को लेके नाटक देखने जाते हैं जी। क्योंकि उनके संस्कारों में यहाँ हमारे संस्कारों में नहीं है एक एक्टिविटी की तरह माना जाता जी। है रंगमंच से आप अपने बारे में सही जानकारी ले लेते हैं कि आपका स्तर क्या है? हाँ अपने क्या? बारे में सेल्फ एनालाइज करने की क्षमता कर आपकी बढ़ जाती है कौन मैं हूँ क्या नहीं तो आधे से ज्यादा लोग तो इसी बात पे आधी जिंदगी बर्बाद हो जाती है उनको पता ही नहीं लगता कि वो है क्या किस काम के लिए बने क्यों बने हैं कुछ पता ही नहीं जी। तो रंगमंच वो दिशा देता है मुझे लगता है मैं तो रंगमंच करने वाले नहीं रंगमंच जो देखते हैं उनको भी सामान्य इंसान से ऊपर का मानता हूँ क्योंकि उनकी सोच अलग होती है टीवी देखने वालों से अलग होती है बाहरी दुनिया वालों से अलग होती है उनके अंदर वो एक अलग तरह का डी एन में उनके वो बीज चला जाता है तो रंगमंच से एक शुरुआत हुई अपने बारे में जानकारी हुई फिर आप एनएसडी से भी कहीं ना कहीं मैं एनएसडी एस में रहा मैंने एनएसडी का पास आउट नहीं हूँ लेकिन नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में रेपेट्री कंपनी होती है जहाँ पे नाट एनएसडी करने के बाद तीन साल का कोर्स करने के बाद फिर रेपेट्री में सेलेक्शन होता है जहाँ तनख्वाह मिलती है अच्छा सैलरी मिलती है अभी में पचास पचहत्तर हज़ार रुपये उनकी तनख्वाह या लाख रुपए है हमारे टाइम पे ढाई हजार रुपये थी पच्चीस सौ रुपये और हमें उससे पहले पंद्रह सत्रह सौ मिलते थे जहाँ और जगह का तो एकदम लाइफ चेंज हो गई और रेपटरी जाके मेरे पास पैसे आने लगे तो उससे पहले हम लाल किले के पीछे जो है वो चोर बाजार एक लगता है जी। तो वहाँ मरे हुए अंग्रेजों के कपड़े लेके आते थे उनका पैंट जूता जी, सौ रुपए में हीरो बन जाते जी, थे तो रेपटरी में जाने के पहली बार मैंने नया कनाट प्लेस से जीन्स खरीदा तो वो एक अनुभव आज हम हजारों रुपए के कपड़े खरीदते हैं पहनते हैं शूटिंग में पहनते हैं अपना कुछ मोजा तक नहीं पहनना पड़ता कि सब कुछ आपको मिलता है अपना आप इतना पहनते हो लेकिन जो सुख या खुशी है ना वो उस जीन्स को खरीद के जो हुई ना आज तक किसी को नहीं हुई आज तक वो खरीद के कुछ भी कपड़ा नहीं तो वो फिर लोग मिलते गए अपने से बेहतर आदमी जब समाज में जाता है ना तब वो समझ पाता है अपने बारे में कि मैं कहाँ हूँ तो इसलिए घर से बाहर निकलना बहुत जरूरी होता है हर बच्चे के लिए और हमें मैं तो भाग्यशाली हूँ कि मुझे रेपट्री में काम ढाई तीन साल में वहाँ रहा तो वहाँ मैंने बड़े बड़े एक्टरों के साथ मुझे काम करने का मौका मिला और हम तो छोटे थे और मेरा सलेक्शन भी कैसे हुआ था वो अलकाई साहब इब्राहिम अलकाई साहब आए थे एनएसटी में तो उन्होंने पूछा क्या किया क्या नहीं तब यूपी हुआ करता था हमारा यहाँ बिल्कुल मैंने कहा जी हिल्स हिल्स यूपी मैंने कहा क्या क्या प्ले थी नाटक कौन सी मैंने कहा सीजर क्योंकि वो जूलियस सीजर बारहवीं में जो इंग्लिश की बुक है उसमें सिलेबस में होता है और वो हिंदी में उसकी स्टोरी मुझे बहुत पसंद थी ड्रामा था उसमें अब हमें अकल नहीं थी लेकिन वो चीज़ के प्रति आकर्षण था कि इसमें ड्रामा है जी। और ये बात मैं आज पहली बार बोल रहा हूँ कि मुझे इस बार उसमें इंटरेस्ट था दूसरी चीजों में नहीं था तो वो चीज़ जब इंटरव्यू हुआ तो मैंने बोला जूलियस सीजर उनको आई कहाँ यूपी हिल्स और तो जूलियस की बात कर रहा कॉस्ट्यूम तो, तो, अच्छा, तो, 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 तो फिर मैंने बताया कुर्ता क्योंकि राजा बड़ा आदमी दिखाना तो वो सब कुछ कुछ ऐस, ऐसा कॉस्ट्यूम दिमाग में तो हमें पता ही नहीं था क्या कॉस्ट्यूम होता काजल से मुंह छुई से दाढ़ी बनाई और अपना प्ले किया उस छोटी सी गलती या अनजाने में अपराध क्योंकि हमें पता नहीं था

मैं भी जाने की तैयारी दादा दादा बोलने लगे थे मुझे जी। तो मैंने कहा इज्जत होने लगी अब निकल लो फिर वहां से बॉम्बे की तरफ गया लेकिन बॉम्बे जाने से पहले दूरदर्शन के लिए मैंने अशोक चक्र दर्जी के साथ गुलाबरी एक फिल्म की थी बड़ा अच्छा उसमें काम था जी। एक फिरदौस सीरियल आता था जी। तब सिर्फ दूरदर्शन हुआ करता था गोम्फा के हार का रहस्य ये पहला मेरा दूरदर्शन पे आया था मॉर्निंग ट्रांसमिशन पे तो वो चीजें बल दिया ताकत दी हमें तो कुछ पता ही नहीं था हमें तो दिल्ली जब आया गांव से आए थे हमने तो सिगरेट पीती महिलाएं पहली बार देखी वो जा ऐसा कुछ होता था उनको देख के और हर आदमी में अपना भविष्य दिखाई देता था तो को, कोई खाली बोलता था व्हाट इज योर नेम फेमस तो ऐसे हो जाते थे ना हमको कुछ पता नहीं था तो वहां से सब कुछ प्रभावित करता होगा आसपास हर चीज बिल्कुल और पहाड़ से गांव से आए थे हम तो पिथौरागढ़ के बाद भी पहाड़ खत्म होती हमको लगता था प्लेन शुरू हो जाता होगा बच्ची की कल्पना कल थी जब निकले तो तब समझ में आया जी। तो अच्छा अनुभव दिल्ली का रहा छः वर्षों का फिर बॉम्बे चला गया वहाँ एक सीरियल था हम बम्बई नहीं जाएंगे जी। वो शेखर कपूर जी का सीरियल था और तिग्वानशु धुलिया जी उसके डायरेक्टर थे उसमें एक छोटा सा हमको रोल मिला पाँच सौ रुपये उसमें मिलने शुरू हुए पर डे

तो वहाँ से पहचान मिलनी शुरू हो गई उसी दौरान ऑफिस ऑफिस के लिए मुझे बुलावा आया ईगल फिल्म का राजीव मेहरा जी के यहाँ से ऑफिस ऑफिस में हम जैसे नॉर्मल सीरियल बनते हैं जाते हैं है, वैसे गए मिलने उन्होंने बताया ऐसा ऐसा है इसमें हर बार कैरेक्टर चेंज होंगे कभी कुछ बनोगे कभी मैंने कहा अच्छा हाँ ये इंटरेस्टिंग लग रहा है पंकज कपूर जी उसमें मुसद्दी का रोल कर रहे थे वो भी अच्छा लगा वो पहला एपिसोड शूट भी हुआ तो दो तीन एपिसोड के बाद ही वो सीरियल जो है छाने लगा कभी आपने सोचा था कि वो सीरियल था। इस कदर इतना पॉपुलर होगा बिल्कुल नहीं सोचा था जी वो ऐसा पॉपुलर हुआ कि सड़कों पे मतलब भारत में अरे बाबा पांडे जी हम लंदन की सड़कों में घूमते हैं तो कोई आदमी ऐसे बोलने लग जाता है वो पता लगता पाकिस्तान का है वो <laughs> तो उसने जो है इतनी प्रसिद्धि दे दी कि मतलब मुझे बड़ी खुशी हुई एक कलाकार को यही चाहिए भी होता है मुझे लगता तो वो एक टर्निंग पॉइंट वहाँ से शुरू हुआ फिर okay. क्रिश में ऋतिक रोशन की जो फिल्म थी बिल्कुल मैं उसी पे आने वाली थी कि फिर टेलीविजन के बाद आपने सीधा फिल्मों का रुख किया और वहां पर भी अपने बड़े बड़े कलाकारों के साथ काम किया तो वो ट्रांजिशन टेलीविजन टू बिग सिनेमाज तो वो कैसे हुआ मेरा सब चलते रहा मैं आपको मैं मेरे नाटक अभी दिसंबर पिछले साल मैंने नाटक का शो खत्म किया नाटक थिएटर का पृथ्वी थिएटर में और एक दिन के दो शो तीन सौ रुपये का एक टिकट भी कराया आपके नाटक का तो वो मेरे लिए बड़े भाग्यशाली वाली बात थी कि पृथ्वी थिएटर में आपके दो शो हो रहे हैं और दोनों में हाउसफुल हो रहे हैं वो थिएटर मेरा चलते रहा कम ज्यादा कम ज्यादा टीवी भी करते रहा और मेरी प्रवृत्ति ये थी कि अपने वो काम है पैसे है, तो हम राजा और नहीं है तो जो काम मिल जाए वो <laughs> कर लेते थे फिल्मों की शुरुआत में उससे पहले वो व, व, म, करीना कपूर की एक फिल्म थी मुझे कुछ कहना है तुषार कपूर की वो भी तब आ चुकी थी अच्छी चल चुकी थी बट कृष्ण ने मुझे बहुत और ज्यादा पहचान मिली मैं आपको बताऊ मैं अरोसा एक कंट्री है स्विट्जरलैंड में वहां के होटल के स्टाफ की लड़कियों ने मुझे पहचान लिया जो इंग्लिश भी नहीं जानती ना हिंदी जानती वो बोली कि ब्लू आईज वाला जो हीरो है उसकी पिक्चर में मैंने आपको देखा जी। क्रिश का तो सिनेमा तो बहुत बड़ा लेकिन सिनेमा उपन्यास की तरह है तो सिनेमा क्रिश के बाद फिर एक अलग सिलसिला फिल्मों का शुरू हो गया जी तो इस दौरान सर क्योंकि लगातार आप काम करते रहे आपने रंगमंच भी करा थिएटर उसके बाद टीवी और साथ साथ फिल्में भी अगर बात करें आपकी जर्नी की या बात करें उतार चढ़ाव की तो इस दौरान क्या क्या ऐसे उतार चढ़ाव थे या क्या क्या ऐसे अनुभव थे कभी आपको ऐसा लगा कि नहीं पीछे जाना चाहिए नहीं अब आगे नहीं मुश्किल है कभी ऐसा दौर भी आया जो आप पर हावी हुआ आपको थोड़ा कमज़ोर किया या हमेशा आप ऐसे रहे कि नहीं बढ़ना ही है बढ़ना है आगे नहीं, वो समय बहुत आया अप्स एंड डाउन बहुत आए hmm. मतलब मैं बॉम्बे गया था तो एक मेरी दोस्त थी उससे मैंने पैसे लिए थे hmm. आठ हजार रुपये hmm. और वो पैसे लौटा नहीं पा रहा हूँ उसके पोस्ट कार्ड आते थे वो पंद्रह पैसे वाले पैसे लौटाओ मेरे पैसे लौटाओ <laughs> <laughs> मैंने कहा कि मैं तुमको आठ सौ रुपया इसका ब्याज भी दूंगा <laughs> लेकिन अभी है नहीं रुक जाओ yeah. फिर वो बड़ा चुट्टी आने लगी उस वक्त मैं घबरा गया कि कहाँ से लाऊ क्या करूँ ये अच्छी बात है कि उसने मेरी मदद की मैंने उसके पैसे भी लौटाए और एक दिन तो ये हुआ कि में आधी थाली मिलती थी हाफ राइस और मेरे पास पैसे बिल्कुल नहीं थे वो एक एक जो सिक्के निकाले वो निकल गए छः रुपए छः रुपए तो आ गए लेकिन मेरे अंदर गिल्ट आ गया कि अभी दुकानदार के पास जाऊंगा तो इसको भी पता चल जाएगा ये इसके आखिरी है पैसे सिक्के ही सिक्के थे ना वो तो मैंने अपने, अपने को कॉन्फिडेंस में लाने के लिए उसका पांच रुपए का एक नोट बनाया <laughs> मन में ऐसा आया कि सब आखिरी था वो और ऐसे पल कई बार आए कि आपके मेरी क्या था मेरे पास मजबूरी ये थी कि मैं घर नहीं आ सकता था अभाव में प्रभाव है जो मैं बात हमेशा बोलता हूं मेरे पास ऑप्शन होते तो शायद मैं आज यहां नहीं होता जो मैं चाहता और वो अभाव मतलब वो एक संयोग आया कि ब्रेड भी पानी में भिगा के आपने खाया है लेकिन वो शायद मैं उसको मैं अगर दुखी से झेल उसको मैं झेल गया जैसा भी मैंने झेला लेकिन मैं थोड़ा सा भी उसमें परेशान हो जाता तो शायद मेरे निर्णय चेंज हो जाते फिर मैं टिक नहीं पाता नहीं। और मैं शायद यहाँ नहीं होता नहीं। जी। तो जो मेरी पुअरनेस थी जो गरीबी थी या मेरा जो डिसएडवांटेज था लाइफ में वो एडवांटेज में बदल गया कि प्रॉब्लम है पैसे नहीं है अगर चाहिए तो घर जाओ नहीं तो यहीं रुको और कोई भी आदमी जब तूफान आता है तूफ़ान के वक्त आपको थोड़ा सा खड़े रहने की ज़रूरत है मजबूती से किसी का सहारा बन करके के किसी को सहारा बना करके खंबे को तो तूफान भी चला जाता है तो मेरे ख़्याल ऐसा ही हुआ कि वो समय आया बुरे समय आए अपना चले गए और अब फिर कहीं ना कहीं उस समय ने आपको और मजबूत किया होगा ये बात आपको मैं आपके चैनल के माध्यम से बताऊं जिंदगी में कुछ बुरा होता ही नहीं है चाहे वो आपके साथ हो आपके साथ हो या दर्शकों के किसी के साथ बुरा होता ही नहीं है कुछ वो बुरा आपको मजबूती के लिए देने आता है उस समय को आप तुरंत समझ जाओ उसी पल या एक साल बाद या दस साल बाद रियलाइज होता नहीं जो हुआ मेरे साथ वो अच्छे और अगर घर वालों की बात करें सर तो आज वो किस तरह से देखते हैं आपके इस पूरे सफर को क्योंकि कहीं ना कहीं हम समझते हैं तीन दशक से भी ज्यादा का आपका अभिनय का ये सफर है और उस वक्त जब आपने शुरुआत की होगी तो जाहिर सी बात है घर वालों ने कहा होगा कि नहीं पढ़ो लिखो नौकरी करो घर संभालो कहीं ना कहीं अब वो किस तरह से देखते हैं सपोर्ट उस वक्त मिला कितना मिला और आज के समय में कितना उस वक्त तो कुछ मिला नहीं क्योंकि था ही नहीं जी हम किसी को दोष भी तो नहीं दे सकते उनकी स्थितियाँ आप देखो उन्होंने कैसी स्थितियों में हमको पाला मतलब आज के आज भारत में बहुत तरक्की हुई है आज ये नहीं होता कि अगले महीने चावल की बोरी आएगी फलाना ये आएगा और एक ही सब भाई बहनों के लिए एक जैसे कपड़े बन रहे हैं जी। सस्ता पड़े जी। <laughs> तो आज दौर तरक्की की है लोगों ने गरीबी है लेकिन अभी भी नहीं। वैसा नहीं है वो एक समय था कि उनको भी लोग बोलते थे कि मेरा बेटा तो इंजीनियरिंग में निकल गया वो फलाना रोड की चला गया तुम्हारा बेटा पिताजी पोस्टमैन थे वो क्या बोले मेरा बेटा वो तो बोले जो नाटक करता है नाटक क्या उसका फ्यूचर क्या <laughs> तो <laughs> ये चुप हो जाते थे उनको पता ही नहीं ना उनको नहीं पता नहीं। और न जिसके बारे में बोल रहे उसका तो कुछ पता ही नहीं क्या होगा सच्चाई ये भी तो है उन्होंने इस बात को अपने हिसाब से जैसे भी मैनेज किया होगा लेकिन वो पहला वाला जो दूरदर्शन बता रहा हूँ ना मैं आपको गोम्फा के हार का रहस्य वो जैसे ही टीवी पे आया सुबह तो उस दिन से माहौल चेंज होने लगा शहर के लोग बोलने लगा अरे हमने आपके बेटे को देखा पता लगा उनके कोई और शहर का कोई और बड़ा आदमी उनको बोला अरे आपका बेटे को देखा फिर पता लगा कहीं प्रोग्राम में डीएम साहब आए हैं कोई एसडीएम आए बोले हेमंत मांडी के अच्छा ये है वो ओ हो वाह वाह वा वा। तो माहौल जो है फिर बदलता चला गया फिर वो अठारह बीस वर्षों से ज़्यादा हो गया उनको ज़्यादा मेरे ख्याल बीस बाईस पच्चीस साल जब से अपन जैसी हालत में थे माता पिता को हम मुंबई बुलाते थे जी। जैसे भी हालात थे मतलब कई बार तो एक हालात मैं दुबई एक सीरियल के लिए गया और वहाँ मुझे पैसे मिले और वो भी मैं किस्सा बताऊँ हम पाँच एक सीरियल आता था उसमें मुझे एक सीन के लिए बुलाया और गुड्डी मारुती मोटी जो एक्ट्रेस है उनका हस्बैंड था पतला सी करा अब मेरे पास वही दिन था दिखाने के लिए कि आज मुझे मौका मिला तो वो बढ़िया काम किया और वो मुझे किसी कलाकार ने नहीं लगाया क्योंकि लड़कियां छः थी उसमें उनका अलग मेकअप रूम था अशोक शराफ जी, जी का अलग मेकअप रूम मेरे को कोने में जगह दे दी मैं भी बैठा आ रहा मैंने उनका ओह पानी एक ही के लिए आता था तब मिनरल वाटर एक ही बॉटल आती थी एक ही बड़े स्टार के लिए आज तो बहुत कुछ बदल गया आ क्या जिंदगी है यार भगवान मेरे लिए दिन आलोई कब है ऐसा सोचता था तो ईश्वर ने उसी सीरियल में वो पेजर में हुआ करते थे तब तो मैसेज आया कि आई एम गुड्डी मारोटी प्लीज़ कॉल मी तुमने मेरे हस्बैंड का रोल किया था और ये उनका फ़ोन किया मैंने उनको उनका दुबई में एक सीरियल बनने जा रहा है मेरे हस्बैंड का रोल है मेन रोल करोगे मैंने आई करोगे जी। बस तो दुबई के वहाँ से पैसे से मिले चेन भी ले ली सोने की मैंने <laughs> फिर वापस पिथौर यहाँ आए बम्बई आए तो हालात एक बार ऐसे वो चेन बेचनी पड़ गई तो वो हार्ट है अब उसमें अपन ने भी कभी सोचा नहीं कि अभी अभी क्या होगा अभी अभी, अभी जरूरत है ना मुझे उसकी जी बिल्कुल तो उस पैसे से मैंने पिताजी के लिए कोट पैंट बनाया वहां कि बढ़िया से जाएंगे लगेगा ना उनको के बेटे के साथ अब अंदर का जितना हम जी। बता सकते थे वो बता दे लेकिन स्ट्रगल ऐसा है कि भविष्य कुछ पता ही नहीं ना फिल्म लाइन ऐसी है कि असफल होने की गारंटी है फिल्म लाइन में असफल होने की गारंटी है सफल होने के चांस है बिल्कुल तो वो फेज आया तब से वो बम्बई आ रहे हैं मम्मी पापा जाड़ो में वहीं रहते हैं जी। उन्होंने भी देश दुनिया देखी विदेशों में भी आते हैं मेरे साथ घूमने तो उनके सोच में भी बहुत परिवर्तन है क्योंकि घर से बाहर निकलता आदमी तभी जान पाता है जी। और इतनी बड़ी किताब पढ़ने से ज़्यादा अगर चार किलोमीटर पैदल चल लेंगे तो वो उसका अनुभव आपका होगा और सच्चा होगा अब आप बोल भी पाओगे उसके लिए बाहरी ज्ञान की आवश्यकता नहीं है अनुभव ही मुझे लगता है फिर जाते हैं तो अब अच्छा लगता है माता पिता का आशीर्वाद ही है उनके अच्छे कर्म हैं मेरे पूर्वजों के अच्छे कर्म हैं इष्ट देवता का मेरे पे ऐसा एकदम डायरेक्ट हाथ है कि मैं गाँव में भी महीने दो महीने में एक बार गाँव चला जाता हूँ चुपचाप चला जाता हूँ क्या डीठले लगे कहते हैं ना तो क्योंकि पिथौरागढ़ में ही जो लोग रहते हैं वो भी गांव नहीं जा पाते कारण क्या है उनकी नौकरी है अपनी मजबूरियां हैं परिवार है मेरा लगाव है तो मुझे ईश्वर भेज देता है बॉम्बे से मैं हरी सब्जी यहाँ से बॉम्बे पहुँचा देता हूँ एयरपोर्ट पे मेरा सब वो सामान में वो सब्ज़ियाँ निकलती हैं अभी भी कल मैं हरी पत्ती ले जाऊँगा पालक की ताज़ा यहाँ से गडेरी गीटी मिल जाएगी वो ले जाऊँगा तो वो मैंने मुंबई में तो पहाड़ को संजोया आपने रखा है चार जी 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 तो। पांच में मिट्टी भी मेरे गांव की है अरे उसमें तो वहाँ उसमें पानी डालने में भी मजा आता है अपने घर का है ना वो वहाँ पर अच्छा लगता हाँ तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है जिंदगी में जो ईश्वर ने मुझे दिया है मेरे पास धन्यवाद के अलावा ईश्वर को कुछ है ही नहीं कि मुझे इतने बढ़िया जिंदगी दे रखी है बिल्कुल सर एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूंगे उत्तराखंड को लेकर अपार संभावनाएं हैं यहाँ पे चाहे आप शूटिंग के उससे देखें या फिर जो टैलेंट है यहाँ का बच्चों में वो देखें क्या कुछ आप कहना चाहेंगे उन तमाम बच्चों को जो आप लोगों को देख बॉम्बे आने के सपने देखते हैं अभिनय के क्षेत्र में कुछ अच्छा बड़ा करना चाहते हैं उनको क्या आप सलाह देंगे पहली बात तो मैं आपको ये कहना चाहूँगा तो आपका जो इस कार्यक्रम को करने का जो मूल आत्मा है ना वो आपकी सफल हो रही है और और भी हो इससे वो मैं आपको शुभकामना देता हूँ और उन दर्शकों को भी उन युवा लोगों को भी या उन माताओं जो भी जिस उम्र में भी जो को भी देता हूँ इसका उद्देश्य ये है आप जो लोगों को बुलाते हैं उसमें भी आपने मुझे बुलाया तो एक तो आपने मुझे उसके काबिल समझा और दूसरा मेरे बोलने से मेरे कहने से किसी एक व्यक्ति का भी जीवन परिवर्तन होता है ना तो उसकी कार्मिक लेयर बेहतर बन जाए उसका जीवन बने वो मैं प्रार्थना करता हूँ हमेशा और इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ कि हारना कुछ होता ही नहीं है बुरा कुछ होता ही नहीं है वो तो आपको ज्ञान देने के लिए आया है जी। आपकी साढ़े ही चली है तो वो आपको मजबूत बनाने के लिए आई है उसमें आप उतना पॉलिश हो जाओ अपने शरीर को तराश लो अपने मन को तराश लो एक्सरसाइज योग प्राणायाम ध्यान वो सब करो आप इतना फिर आगे बढ़ जाते हैं और ये सच्चाई प्रकृति से हम सीखते हैं चिड़िया जी। जब पेड़ में रहती है ना जब वो ऊपर जाती है उड़ने के लिए तो आप देखना हमेशा पहले वो थोड़ा नीचे जाती है फिर वो टेक ऑफ लेती है तो आप कभी पीछे जा रहे हो जिंदगी में परेशान हो रहे हो तो आप ये मत सोचो आप तो टेक ऑफ ले रहे हो आप खराब के बाद कुछ बचता ही नहीं है ना अच्छा ही बच गया जी। तो आपके पास अच्छा लकी है कि जल्दी आपके साथ मुसीबत आ गई बढ़िया हो गया आप लकी इसको निपटो आगे बढ़ो क्योंकि आगे बढ़िया ही बढ़िया होना जी। और जो जैसा सोचता है उसके बाद अगर उसने जो जैसा सोचता है उसके बाद उसको सिर्फ करना बाकी रह जाता है आपने सोच लिया वो करने की शुरुआत कब होगी जब आप अपने भीतर से अपने आत्मसात होकर के अपने आप को सच में जोड़ करके मैं कौन हूँ और मैं क्या सोच रहा हूँ ये दोनों चीजों का तालमेल अगर एक हो गया ना तो आप अपने भाग्य के विधाता हो जाते हैं उस दिन से जो आप चाहते हो वो क्रिएट कर सकते हो वो आप सोच सकते हो और इसमें आप थोड़ा सा योग ध्यान क्योंकि ये देव भूमि है उस भूमि का मान रखते हुए ध्यान में आप वैसे नहीं भी जाते हैं तो जिस भूमि में उसका सम्मान करते हुए अगर आदमी ध्यान कर ले तो उसके चीज़ें अपने अपने जो क्लॉट्स हैं जो हमने एक दूसरे के लिए बुरा सोच रखे हैं एक दूसरे के बारे में हमने अपने बगबग के माध्यम से चलो आओ हाँ उसकी बुराई करते हैं मालूम है क्या इसमें इंटरेस्ट ना लेके अगर हम अपने कार्मिक लेयर को क्लीन करें अपने कर्मों को थोड़ा और प्योर कर लें तो जो चाहे ईश्वर से आप वो ले सकते हो क्योंकि आप ईश्वर का अंश हो आप ईश्वरी तो हो बिल्कुल तो आप वो पा सकते हो बिल्कुल सर दिल तो कह रहा है कि आपसे लगातार बातों का सिलसिला ये जारी रखे लेकिन समय की कमी है आप हमारे कार्यक्रम में आए आपने हमें अपना समय दिया और आपने हंसते हंसते बहुत ही गंभीर बातें हम तक पहुंचाई हमारे दर्शकों तक पहुंचाई आप कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर धन्यवाद धन्यवाद मैं बड़ा भाग्यशाली हूँ कि मैं एक मतलब दूरदर्शन मैं टीवी फिल्में जो सब जो भी करता हूँ वो एक पार्ट है लेकिन दूरदर्शन के साथ एक आत्मीय लगाव है क्योंकि हमने हमारे संस्कारों में वो घुसा है ना मैंने देखा हम दुनिया भर में सब कुछ हमें मिलता है लेकिन वो भारत सरकार लिखा हुआ वो जो सोलह सौ का चेक है जो दूरदर्शन से जो मुझे जो मिला था तीस से एक साल पहले बत्तीस साल पहले वो मेरे लिए आज भी वो क्या बोलूँ हमें बिल्कुल सर और दूरदर्शन की शुभकामनाएं हमेशा आपके लिए रहेंगी जी जी। आप कार्यक्रम में आए बहुत बहुत शुक्रिया धन्यवाद धन्यवाद तो दर्शकों उम्मीद करते हैं आपको आज का हमारा एपिसोड बेहद पसंद आया होगा अगली बार एक और हस्ती से आपको रूबरू कराएंगे तब तक ले इजाजत दीजिए नमस्कार